हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे किस तरह से हम एक बेहतरीन वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं वर्डप्रेस की हेल्प से। और इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने में हमें ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट का समय लगने वाला है। और इसके साथ एक प्रमुख बात यह भी है कि इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें किसी स्पेशल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कि कोई स्पेशल आपका कोई कंप्यूटर का टेक्निकल बैकग्राउंड हो, आपको प्रोग्रामिंग आती हो, तभी आप इस वेबसाइट को बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, वी कैन ऑल्सो से लाइक आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट का लुक है, इट इज वेरी एलिगेंट, वेरी डिसेंट लुक यू कैन से, इट्स प्रोफेशनल लुक यू कैन से। सो इस तरह की वेबसाइट को बनाना अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं या अगर आप बनवाना चाह रहे हैं, सो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आई कैन से दैट एटलीस्ट 10 to 15,000 यू आर गोइंग टू सेव, दैट्स फॉर श्योर। सो दैट इज अनदर वे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू आर यू नो सिंसियर लर्नर ऑफ कंप्यूटर साइंस और इफ यू आर रियली क्रेजी अबाउट द टेक्निकल थिंग्स लाइक यू नो मेकिंग वेबसाइट्स और मेकिंग वेब और यू नो वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्स और दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो विल यू नो गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, बिकॉज वी कैन से लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यू नो लर्निंग और यू कैन से मेकिंग यू नो और यू नो लर्निंग वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे चलते हैं। यू कैन सी दिस वेबसाइट, लेट्स हैव आई मीन डेमो ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। मैंने एक वेबसाइट बनाई है, मैंने कॉन्सेप्ट इसमें जो लिया है कि लाइक यू नो वी आर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स काइंड ऑफ थिंग, सो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर एनी काइंड ऑफ यू नो सर्विसेज। सो जैसे ये आप देख सकते हैं कि हमने एक लैंडिंग पेज रेडी किया हुआ है और वी कैन से होम पेज जिसमें कि एक बेहतरीन आपका बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा बैकेंड पे हेडर पे। दिस इज वॉट यूर हेडर बेसिकली एंड दिस होल एरिया वी कैन कंसिडर एज यू नो हेडर एंड जस्ट अ सिंपल टाइटल विद ए स्मॉल लाइन एंड दिस इज वॉट यू नो आर लोगो एरिया जहाँ पे हमने टेक्स्ट को डिस्प्ले किया है। और हमारे पास टोटल 4 पेजेस हैं लाइक कॉन्टैक्टर्स, so when you click on this contact us you directly redirected to you know contact us page, so जहाँ पे आपको एक form मिलता है जहाँ से कोई भी बंदा आपको contact कर सकता है। and when you go to this product tab you know this will redirect you to or this will bring you to the products you are you know I mean managing. This is how you can display your products. For the example I have just taken you know 9 or 10 odd products. similarly about us में आप बहुत ही अपना small अपना अपनी समरी आप दे सकते हैं। सो जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके इसे यूज किया हुआ है। एंड फाइनली कम टू दिस होम पेज यू विल सी हाउ नाइस इट इज लुकिंग एंड लेट्स हैव अ टूर ऑफ दिस। सो दिस इज माय टॉप व्यू, दिस इज द एरिया फीचर्स वी कैन से लाइक एंड बिलो दिस इज यू नो हेल्प बॉक्स एंड देन लिटिल बिट अबाउट योर अबाउट अस एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी सम इमेजेस वी हैव पुट इट बिकॉज एज आई सेड यू नो इंजीनियरिंग बेस्ड है तो उससे रिलेटेड हमने इमेजेस लगाई हुई हैं। दीज आर द इंडस्ट्रीज वेयर वी कैन शो हमें वी आर सर्विंग, सो वी कैन ऑल्सो इंक्लूड मोर इमेजेस और मोर इंडस्ट्रीज एज वेल। सो दीज आर यू नो क्लाइंट्स वी कैन से एंड दिस इज वेरी नाइस लुकिंग यू नो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म एंड बिलो दिस यू कैन से आई हैव ऑल्सो पुटेड वन यू नो काउंटर, इसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं एंड वेरी नाइस एंड सिंपल फूटर। सो दिस इज वॉट योर फूटर पार्ट एंड यू कैन सी वेन वी आर स्क्रॉलिंग देयर इज पैरेलेक्स इफेक्ट इज देयर, लाइक जब आप अपने माउस को मूव करते हैं तो आपका जो हेडर है और यू जो मेन्यू बार है दैट ऑल्सो यू नो गेट चेंज्ड लाइक दिस। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स यू नो स्टार्ट मेकिंग द वेबसाइट। सो बिफोर दैट एंड स्पेशली एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे आपके लिए कोई डोमेन परचेज नहीं करना है, यहाँ पे हम कोई यू नो होस्टिंग प्लान अभी परचेज नहीं करने वाले हैं, हम सीधे सीधे अपने कंप्यूटर में ऑफलाइन इसे रेडी करेंगे। वंस इट बिकम्स रेडी देन आफ्टर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे इसे अपलोड करना है तो हम बाद में इसे अपलोड कर सकते हैं। नाउ इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें जो कुछ चीजें चाहिए, सबसे पहले तो ये बिकॉज वी आर मेकिंग ऑफलाइन सो वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ दिस वैम्प सर्वर, बिकॉज जब हम कोई लोकल होस्ट में अपना डेवलपमेंट का वर्क करते हैं एंड स्पेशली वी आर गोइंग टू यू नो मेक आवर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ यू नो वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस जो है बेसिकली इट इज यू नो अ काइंड ऑफ सीएमएस बेसिकली जिसका इम्प्लीमेंटेशन पीएचपी एंड माईएसक्यूएल में हुआ है। इन दोनों को यूज करके हमारा वर्डप्रेस डेवलप हुआ है और इस वर्डप्रेस को डेवलप करने के बाद हमें इसको रन करने के लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, सो दैट योर कंप्यूटर सिस्टम थिंक्स दैट द थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम सर्वर साइड।
इसलिए इसके लिए हमें वैम्प सर्वर की जरूरत पड़ती है. एंड ऑब्वियसली एज आई सेड यू नो वी ऑल्सो नीड द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस, सो वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस एज वेल. सो एज आई सेड चूंकि हम ऑफलाइन बनाने वाले हैं सो वी विल डाउनलोड इट, वी विल इंस्टॉल इट इन आर यू नो ओन कंप्यूटर सिस्टम एंड उसके बाद इसे डेवलप करेंगे. सो वैम्प सर्वर देन वर्डप्रेस एंड थर्ड विच वी आर गोइंग टू यूज इन आर वेब वर्डप्रेस इज व्हाट द थीम. थीम इज व्हाट यू नो बेसिकली लाइक वी ऑल नो जब भी हम मोबाइल में वर्क करते हैं, जब हम मोबाइल यूज करते हैं सो वी गेट थीम्स देयर. वॉट दिस डज दिस पर्टिकुलर थीम डज एक्चुअली कि ये आपको एक पर्टिकुलर यू नो स्केलेटन होता है लाइक कि आप अगर मोबाइल का एग्जाम्पल लें, जब वहां पे आप कोई थीम को सेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर मोबाइल का जो अपियरेंस है, उस पर्टिकुलर मोबाइल का जो फॉन्ट स्टाइल है, वहां जो आइकन्स होते हैं, उसके जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट कलर होता है या जो बैकग्राउंड होता है, वो पूरी की पूरी तरह से क्या हो जाता है, एक सेट हो जाता है एक स्टाइल में. सो हम आज जो थीम यूज करने जा रहे हैं इस वेबसाइट में, जो हम थीम यूज करेंगे दैट इज बेसिकली मेस्मराइज थीम. द वेरी बिगिनिंग ऑफ यू नो योर यू नो वेबसाइट डिजाइनिंग दिस पर्टिकुलर थीम विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. इट इज वेरी इजी एंड इट इज ऑल्सो वेरी डिसेंट लुक. इट गिव्स यू वेरी डिसेंट लुक बेसिकली. So these are three important things like WAMP server, like your WordPress, and third is your mesmerize theme which we are going to use. So what you have to do, first of all, you just go to this WAMP server website. You can say wampserver.com or you can simply write download WAMP server. You can directly go to this download section and from here you can either select the 64-bit or 32-bit. So as soon as you click on this particular button, this particular server will get started, you know, downloading. So because मैंने यहाँ पे already इसे download किया है, let me show it. So you can see I have already downloaded this WAMP server. So I'm not going to download it again. So you can just click on here. This will get downloaded from now. After downloading it, you know, you can get it from your download folder. यहाँ पे आप जब इसको अब इसे आपने क्या करना है, आफ्टर डाउनलोडिंग इट यू जस्ट डबल क्लिक इट एंड इंस्टॉल इट. वंस इट इज यू नो इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम यू विल सी दिस काइंड ऑफ आइकन यू विल गेट यू नो एट योर डेस्कटॉप. सो ये मेरा वैम सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा. वैम सर्वर इंस्टॉल होने के बाद में यू कैन गो टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट, जस्ट राइट यू नो डाउनलोड वर्डप्रेस. It will redirect you to the WordPress you know website that is wordpress.org. यहाँ पे आप download WordPress 5.5 पे क्लिक कर दीजिए. So जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे it will start it downloading. So because as I said मैंने इसे भी already चूंकि download किया हुआ है, so you can see here like WordPress 5.4c, तो ये compressed version में download होगा. And बिकॉज एज आई सेट कि हम यूज करेंगे इस वेबसाइट में लुक देने के लिए थीम का जिसका नाम है मेस्मराइज थीम, तो यू जस्ट गो टू मेस्मराइज वर्डप्रेस थीम डाउनलोड. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू नो दिस विल कम टू wordpress.org. क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक. सो हियर यू कैन सी नाउ वी आर बैक. सो नाउ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन. सो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा. So you will see यहाँ पे आपका ये download हो चुका है. Here one more thing we are going to use that is Mesmerize Companion. So ये भी हमें download करना है. Why it is important? ये मैं थोड़ी देर से बताऊंगा. It is a kind of plugin होता है जिसे हम इस theme के साथ use करेंगे. What plugin does actually? जो भी हम theme हमने download किया है जो कि हमारे webpage को look दे रहा है, उसमें कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए हम प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं. सो ये मैं वर्क करके आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. सो व्हाट यू डू हियर कि आपने जैसे ये मेस्मराइज थीम को जब डाउनलोड कर लिया, उसके बाद यहीं पर आप जाके सीधे प्लगइन सेक्शन में जाके सिंपली यू जस्ट राइट, बिकॉज ये मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं डाउनलोड करने की, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक आवर होल वेबसाइट यू नो ऑफलाइन. हम ऑनलाइन कोई भी परचेजिंग नहीं कर रहे हैं डोमेन की और होस्टिंग की, दैट्स वाई हम इसे पहले डाउनलोड कर ले रहे हैं. सो यहाँ पे मैं प्लगइन पे जाके लिख देता हूँ मेस्मराइज इन कंपेनियन, भी आप लिख सकते हैं. सो यू विल सी यहाँ पे ये मेस्मराइज कंपेनियन आ चुका है. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस कंपेनियन ऑप्शन, सो ये आपको सीधे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा. यू जस्ट डाउनलोड इट ऑल्सो. जो जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेंगे यू विल सी ये कंपेनियन भी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा. नाउ
वी आर ऑल सेट विथ यू नो ऑल दीज टूल्स. सो आफ्टर यू नो वैम्प सर्वर जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू नो हाउ कैन वी लोड यू नो वर्डप्रेस, आई मीन इंस्टॉल वर्डप्रेस. सो वैम्प सर्वर को हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने स्टार्ट कर लिया. सो जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, इट विल आस्क यू टू यस, क्लिक ऑन यस. सो जैसे आप स्टार्ट करोगे यू विल सी यहाँ पे ये ग्रीन में आ जा रहा है. नाउ वंस इट हैज बिकम ग्रीन, तो दैट मीन्स आपका वैम सर्वर ऑन हो चुका है. नाउ यू जस्ट ओपन दिस ब्लैंक टैब. सो यू जस्ट गो टू दिस न्यू टैब, टाइप दिस लोकल होस्ट, प्रेस एंटर. सो वेन यू प्रेस एंटर यू विल सी यहाँ पे ये लोकल होस्ट आ गया. यहाँ से आप सबसे पहले जाएंगे पीएचपी माई एडमिन में. नाउ सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप जो वेबसाइट बनाने जा रहे हो उसका नाम क्या रखना है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने ये पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करके गो में आ जाता हूँ मैं, अभी मुझे ये बोलेगा कि आप अपने डेटाबेस का क्या नाम बनाना चाहते हो. हमें सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, डेटाबेस जहाँ पे कि हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी वर्डप्रेस की. सो हम यहाँ डेटाबेस सेक्शन में जाते हैं. डेटाबेस सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप डेटाबेस का जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने भारत इंजीनियरिंग ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ हिंदुस्तान इंजीनियरिंग. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदुस्तान ENGG. इसका नाम देने के बाद इसे सिंपली आप क्रिएट कर दीजिए. अब ये मेरा पीएचपी माई एडमिन में डेटाबेस रेडी हो गया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान इंजीनियरिंग. अब बात आ रही है कि ये हमारा डेटाबेस रेडी हो गया है, हम चलते हैं हमारा जो वर्डप्रेस हमने हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड किया हुआ है उसे हम ओपन करते हैं. यू जस्ट ट्राई टू यू नो एक्सट्रैक्ट हियर. सो मैंने लेट सपोज इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया यहीं पे डाउनलोड सेक्शन में. अभी हम इसे क्या करते हैं, जब ये एक्सट्रैक्शन इसका पूरा हो जाएगा, आई सेलेक्ट इट, आई जस्ट कॉपी इट. अब आपने क्या करना है, यू हैव टू गो टू सी ड्राइव. यू विल सी जो आपने वैम सर्वर डाउनलोड किया हुआ था और इंस्टॉल किया था वो फोल्डर आपको यहाँ दिख जाएगा. यू जस्ट क्लिक ऑन दिस वैम सर्वर, गो टू दिस WWW सेक्शन. यहाँ पे आपको उस वर्ड प्रेस को क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है. अब ये वर्ड प्रेस जो है हमारा यहाँ कॉपी हो जाएगा. इसके बाद में हमने जो हिंदुस्तान इंजीनियरिंग जिस नाम से हमारे वर्ड प्रेस में डेटाबेस बनाया, सॉरी पीएचपी माई एसक्यूएल में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने ये डेटाबेस का नाम दिया हिंदुस्तान इंजीनियरिंग. सेम इसी नाम से जिस नाम से हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, इस वर्डप्रेस के फोल्डर को हम रीनेम कर देते हैं. हमने सीधे इसका नाम दे दिया हिंदुस्तान ENGG. अब ये हमारा तैयार हो गया वर्डप्रेस का पूरा, हमारा जो मटेरियल है, डेटा है, सब कुछ इसमें आ चुका है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग में. अब इसके बाद वापस हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम में. यहाँ जाकर अब मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, जिसका मतलब है कि ये हमारा एक सर्वर बना हुआ है. इसके अंदर जो हमने अभी फोल्डर रेडी किया था WWW के अंदर में, वैम सर्वर के अंदर में, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा हिंदुस्तान ENGG. जैसे आप टाइप करेंगे आप देखेंगे हमारा वर्डप्रेस का प्रोसेस इंस्टॉलेशन का शुरू हो जाएगा. यू कैन सी नाउ इन योर स्क्रीन इट इज आस्किंग फॉर द लैंग्वेज, इट इज ऑलरेडी सेलेक्टेड. क्लिक ऑन कंटिन्यू, सेलेक्ट लेट्स गो, टाइप द नेम ऑफ डेटाबेस जो हमने वहां पे दिया था, हमने नाम दिया था हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड जस्ट गिविंग इट हिंदुस्तान ENGG. टाइप द यूजर नेम रूट, यू शुड बी क्लियर विद दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे रूट आपने डालना, देन इस पासवर्ड को पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए एंड मेक श्योर दैट यहाँ पे लोकल होस्ट और WP_ रहे, इसे आपको डिलीट नहीं करना है. देन क्लिक ऑन दिस सबमिट. नाउ रन द इंस्टॉलेशन. नाउ इट इज आस्किंग फॉर यू टू यू नो एंटर द साइट टाइटल सॉरी. सो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ हिंदुस्तान ENGNEERING इंजीनियरिंग. द यूजर नेम आई एम टेकिंग एडमिन, और मैं पासवर्ड भी इसका डाल देता हूँ एडमिन. अगर आप कोई और पासवर्ड दे रहे हैं तो मेक श्योर वो पासवर्ड आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए. कन्फर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, और यहाँ पे कोई भी एक टेम्पररी मेल आईडी दे दीजिए. सो जैसे मैंने sahan@gmail.com दे दिया. बट इसके बाद में आप यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे. नाउ द इंस्टॉलेशन विल बिगन एंड यू विल सी हमारा इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया है. नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस लॉगिन. अब ये जो हमने यहाँ पे अभी एडमिन नाम से पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड रेडी किया है वो हम डाल देंगे. सो आई एम टेकिंग दिस. नाउ लॉग इन. नाउ वेलकम टू हिंदुस्तान इंजीनियरिंग डैशबोर्ड. यू कैन सी नाउ वी आर इन द हिंदुस्तान इंजीनियरिंग का डैशबोर्ड में. दिस इज द वर्डप्रेस बेसिक डैशबोर्ड. डैशबोर्ड इज अ काइंड ऑफ यू नो
area where you get all the tools needed for making a website. So हमें जो भी work करना होता है WordPress में वो basically हम इस dashboard से ही जाके करते हैं. Like आपको जो भी pages बनाने हैं, जो भी images डालनी है, जो भी theme settle करनी है, जो भी plugins लेनी है या और जो various settings करनी है, वो सारा काम हम यहाँ से करते हैं. अब हम यहाँ पे we are all set to go. Now just click on this visit site. You just click on Hindustan Linux, right click over here and click on this. Then you will see the first page of your website like Hindustan Linux. It is coming by default. It is, you know, giving a very very, you know, basic look. So I guess आपको ये उतना ज़्यादा attractive नहीं लग रहा होगा. So no need to worry about this. Let's, you know, start working, you know, on this WordPress. As I said earlier कि हमने यहाँ पे हमारे work को करने के लिए download किया है mesmerize, you know, theme को. और मैं सबसे पहले यहाँ पे जाके हमारा अपना थीम को डाउनलोड कर लूंगा या इस हमारे वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट कर लूंगा सो दैट हम अपने पेज को बेहतर लुक दे पाएंगे. सो व्हाट आई डू, आई विल गो टू अपीयरेंस. फर्स्ट आई विल गो टू दिस थीम्स. इस थीम्स में जाने के बाद में मैं सबसे पहले यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करूंगा बिकॉज हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है. सो अभी हमने चूज फाइल में जाके हमारा जो डाउनलोड फोल्डर था हम वहां चले जाएंगे. इस डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद में मैं यहां से हमारा जो मेस्मराइज का जिप फाइल है उसको सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर लूंगा. नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ. सो इट विल बी अनजिप्ड एंड इंस्टॉल्ड. नाउ इट इज, यू नो, इंस्टॉल्ड प्रॉपरली. नाउ क्लिक ऑन दिस एक्टिवेट बटन. सो इसका मतलब अब ये हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान इंजीनियरिंग जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें सही तरीके से एक्टिवेट हो चुका है. इट इज आस्किंग यू टू इंस्टॉल मेस्मराइज होम पेज. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन, यू नो, आई मीन make it or we can download it immediately. But before that one more thing we will do. हम यहाँ पे plugin को भी install कर लेंगे. इस plugin का जरूरत क्यों पड़ेगा, क्योंकि उसके help से हम इस हमारा जो web page है इसको बहुत अलग तरीके से settle कर पाएंगे, design कर पाएंगे. For the time being चलिए मैं अब pages में चलता हूँ. मैंने ये themes को install कर लिया है. Now go to this all pages and here you will see बाई डिफॉल्ट यहाँ पे एक सैम्पल पेज दिख रहा होगा. अगर मैं इसे वीप करूं राइट क्लिक करके आई कैन गो टू ओपन. ऑल राइट, सो नाउ यू कैन सी कि ये मेरा पेज का लुक जो मैंने पहले अभी आपको दिखाया ये चेंज हो चुका है. इट इज लुकिंग मच बेटर देन इन द फ्रॉम द प्रीवियस वन. बट और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ चीजें लिखी हुई भी दिख रही होंगी. तो ये एक जस्ट सैम्पल है. अब अगर मैं इसे यहां से कस्टमाइज करने जाता हूं, लेट सपोज कस्टमाइज इन द सेंस कि अब मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूं. सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस कस्टमाइज ऑप्शन, सो नाउ यू कैन सी मैं कस्टमाइज में आ चुका हूं जहां पे मैं अपने पेज को डिजाइन कर सकता हूं. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस हीरो सेक्शन और यू कैन से इट इज सेइंग दैट प्लीज इंस्टॉल द मेस्मराइज कंपेनियन प्लगइन टू इनेबल ऑल द थीम फीचर्स. मतलब अभी अगर आपको इसको और अट्रैक्टिव बनाना है, लाइक यू कैन सी हियर दिस इज हाउ इफ यू वांट टू गिव द लुक ऑफ योर वेबसाइट. सो उसके लिए ये अभी आपको बोल रहा है कि हमें मेस्मराइज कंपेनियन प्लगइन को डालना पड़ेगा. सो इसलिए मैंने आपको बोला कि हमने यहाँ पे इस कंपेनियन को लेके रखा हुआ है. सो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे इसे क्लोज करता हूँ. मैं सीधे चलता हूँ प्लगइन पे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे, या सीधे आप एड न्यू पे भी जा सकते हो. नाउ क्लिक ऑन दिस एड न्यू ऑप्शन. Now click on choose file, select mesmerize companion from the folder where you have downloaded. अब इसे आप install now पे क्लिक करके install कर देंगे. Now activate this plugin, that's great. Now you can see this mesmerize companion is downloaded and it is installed properly and it is activated now. Now go to page section. Now you can see here the sample page is here. Now आप देखोगे यहाँ पे एक front page हमें मिल रहा है, clear? तो जैसे ही मैंने उस कंपेनियन प्लगइन को लिया इसने इमीडिएटली एक फ्रंट पेज डाल दिया. फ्रंट पेज कैन बी आवर होम पेज. सो ये मेरा पूरा का पूरा पेज अब रेडी होगा. आप इसे एक बार व्यू करके देखो, ये आपको बताएगा इसका लुक. दैट्स ग्रेट, दैट्स लुकिंग वेरी नाइस. नाउ यू कैन सी हियर ऑलमोस्ट द सेम, यू कैन सी थिंग्स यू कैन सी हियर आर सेट. सो मेरा ये पूरा का पूरा अब पेज जो है फ्रंट पेज और होम पेज इज सेट. सो अब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इसे पूरी की पूरी तरह से एडिट करेंगे और देखेंगे हमारा फाइनल रिजल्ट को. सो लेट्स क्लोज दिस वन एंड लेट्स कम हियर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर गोइंग टू डिलीट दिस सैंपल पेज, प्राइवेट पॉलिसी एंड दिस ब्लॉक्स पेज. सो सेलेक्ट ऑल दिस, गो टू दिस बल्क एक्शन, क्लिक टू मूव टू ट्रैश एंड क्लिक ऑन दिस अप्लाई. सो ऑल दिस विल बी डिलीटेड नाउ. नाउ वी हैव ओनली दिस फ्रंट पेज. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यू नो, जस्ट क्लिक ऑन दिस एडिट बटन. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इट्स नेम टू होम.
बिकॉज ये हमारा होम पेज होने वाला है, तो मैं इसे होम पेज कर देता हूँ। यहाँ से हमें एट्रीब्यूट फ्रंट पेज टेम्पलेट ही रखना है। इसके बाद में मैं इसे सिंपली अपडेट कर दूंगा। नाउ इट इज अपडेटेड, नाउ यू कैन व्यू इट। सो जस्ट यू नो गो टू दिस हिंदुस्तान इंजीनियरिंग, यू कैन डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हो, आप यहाँ से व्यू पेज से भी ले सकते हो। यू कैन सी नाउ ये मेरा होम पेज रेडी हो गया। सो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, एज यू कैन सी हियर ये मेरा पेज पूरी तरह से रेडी हो चुका है। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस एडिट इन कस्टमाइजर, और यू कैन आप यहां से भी जा सकते हो, या फिर जैसे आप ऑल पेजेस या पेजेस सेक्शन में जाते हैं यहां से एडिट इन कस्टमाइजर भी कर सकते हो, और या फिर जब आप इसको पेज को देख रहे होते हो वीव, ये तीनों तरीके हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे इसे वीव किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक कस्टमाइज का एक एडिट पेज का। आपको एडिट पेज में नहीं जाना है, क्योंकि आप एडिट पेज में जाओगे तो आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे वर्डप्रेस के बेसिक सेक्शन में। तो हमें चूंकि हमने मैस्मराइज थीम को यूज किया है, उसका प्लगइन यूज किया है, तो हम यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। सो जब हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो तब हम इस पूरे पेज को मैस्मराइज की जो प्लगइन्स है और जो फैसिलिटीज है उनकी बेसिस पे वर्क कर पाएंगे। एंड नाउ वी आर यू कैन सी इन द कस्टमाइज सेक्शन। नाउ वन बाई वन, जैसे ये हमारा तो हिंदुस्तान इंजीनियरिंग सेट है, हमें ऊपर में फिलहाल कुछ नहीं करना है। नाउ यू सी हियर, यहाँ पे कुछ हमारे जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं सारे फीचर्स आपको दिख रहे होंगे, हमको एक एक करके सबको सेट करना है। मैं सबसे पहले चलता हूं फ्रंट पेज हेडर डिजाइन में। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू विल सी ये प्री डिजाइन है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप इसमें से कोई दूसरा लेके चेंज कर सकते हैं, बट मैं एज इट इज जो मैंने लिया हुआ है उसे ही लूंगा। तो मैं इसे यहां से कैंसिल कर देता हूं, मैंने इसे पूरा ही क्लोज कर दिया। मैं कस्टमाइज पे चलता हूं, फिर से चलता हूं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेंज दिस टाइटल, सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक हियर। मैंने यहाँ पे सीधे इसे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ। देन इसका जो सब टाइटल है वो हम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसका टाइटल दे दिया, दिस इज माई टैगलाइन। एंड आफ्टर दैट आई क्लिक ऑन दिस एक्शन बटन, मैं इसका नाम दे देता हूँ, बिकॉज मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट अस सेक्शन में चले जाऊंगा। सो आई कैन सिंपली राइट अबाउट अस, apply changes, click on this action button too, then here also you can write कि मेरा ये पेज जो है सीधे contact us में चले जाना चाहिए। so make apply changes, now this is area, now I want to change this background, so आप क्या करोगे, यहाँ front page का जो hero का section है, हम चलते हैं यहाँ से hero section में। hero का मतलब जो हमारा content का area है, तो front page, हम inner page hero में नहीं जाएंगे क्योंकि उसके लिए हम separate बनाएंगे, अलग work करेंगे। तो फ्रंट पेज हीरो सेक्शन में हम चलेंगे, यहां से आप देखिए ये बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन आ गया, यहां पे इमेज है, ऑप्शन में जाते हैं, यहां से मैं इस इमेज को चेंज कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस मेरे इस वेबसाइट के लिए पहले से अवेलेबल करी हैं, इकट्ठा करके रखी हुई हैं, सो आई कैन टेक इट फ्रॉम माई फोल्डर। सो जैसे कि मैं जल्दी से चले जाता हूं अपने फोल्डर में। नाउ यहां पे मैंने फोल्डर में इमेजेस रखी हुई हैं जो मेरे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड है, तो मुझे जो अपने फ्रंट पेज पे बैकग्राउंड डालना है मैं उस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। मेक श्योर दैट आप अपनी इमेजेस को जरूर रखें। हाँ, कोई अगर आपको इमेजेस का सोर्स चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली गो टू www.pixabay.com या pexels.com पे जाके आप बेहतरीन इमेजेस को ले सकते हैं। तो जैसे ये मैंने ले ली, अब इसके बाद में मैं ये मेरा बैकग्राउंड इज सेट। नाउ यू कैन सेट इट टू द सेंटर पोजिशन एंड इनेबल पैरेललैक्स। पैरेललैक्स इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर मैं इसे हटा दूंगा तो ये जस्ट लाइक दिस, अगर मैं इसे हटा के क्लोज करूंगा तो जब मैं मूव करूंगा तो ये इमेज के साथ भी मूव हो जाएगा, बट मैं पैरेललैक्स इफेक्ट को रखूंगा इसलिए मैंने इसे ऑन कर दिया है, सो दैट ये इमेज अब फिक्स हो जाएगी। तो ये मेरा वर्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैं आता हूँ नीचे, ये मेरा बैकग्राउंड इमेज सेट है। नाउ यू कम टू हियर, ये मेरा जो सेक्शन है लाइक फीचर्स वी कैन से, मैं यहाँ पे जल्दी से ये जो इमेज है मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपने कंपनी का विजन डालना चाहता हूँ, तो आई कैन सिंपली राइट विजन। सो विजन में मैं अपने इंजीनियरिंग में यहाँ से जाके ये टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो मैंने ये पेस्ट कर दिया। देन आफ्टर आई चेंज दिस आइकॉन एज वेल, सो मैं इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करूंगा, इसे भी हम चेंज कर देते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, ब्राउज आइकन में चलता हूँ और यहाँ से जाके आई ट्राई टू सर्च लाइक दिस, यहाँ पे
विजन कुछ है, तो जैसे ये मुझे दिख रहा है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, देन अप्लाई चेंजेस, नाउ इट इज चेंज्ड। सिमिलरली नेक्स्ट को भी हम करते हैं जल्दी से। यहां पे मैं डालूंगा मिशन या वैल्यूज, सो लाइक दिस आई एम टेकिंग, दिस इज चेंज। नाउ हियर आई एम राइटिंग, अगेन आई एम गोइंग बैक टू दिस एंड जस्ट कॉपिंग दिस एंड पेस्टिंग इट हियर। देन द लास्ट वन, यहां पे हम डालते हैं सेफ्टी। सो दिस इज सेट नाउ, यहां पे मैं लिख देता हूं एंड हियर ऑल्सो आई कॉपी एंड पेस्ट दिस कंटेंट। ये जो मेरा भी कंटेंट है इसमें यहां पे, यू मेक श्योर कि आपका जितना भी वेबसाइट का कंटेंट है वो पहले से रेडी रहे आपके पास में, बिकॉज आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, मतलब आपके पास कंटेंट जो होना चाहिए वो पहले से सेट होना चाहिए, सो दैट इट विल यू नो सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। सो लाइक दिस, अब ये नाउ इट इज सेट। सो एंड नाउ अब मैं इसे जल्दी से एक बार पब्लिश करके रन करके देख लेता हूं। नाउ आई ट्राई टू रन दिस, दैट्स ग्रेट। सो नाउ यू कैन सी हियर, ये हमारा जो हमने सेटल किया डिजाइन, सो इट इज सेट नाउ एंड दिस विजन वैल्यू सेफ्टी इज ऑल्सो रेडी। नाउ लेट्स गो बैक टू कस्टमाइज सेक्शन नाउ। सो आई एम बैक हियर, नाउ आई वॉन्ट टू हैव यू नो अबाउट अस काइंड ऑफ थिंग हियर, सो आई एम जस्ट चेंजिंग इट ऑल्सो। सो मैं यहाँ पे इसे जाके चेंज कर देता हूँ एंड हियर ऑल्सो आई ट्राई टू कॉपी एंड पेस्ट द कंटेंट। ऑल राइट, ये सेक्शन मुझे इसका नीचे नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। नाउ गेट स्टार्टेड में जाके मैं लिख देता हूं रीड मोर, नाउ अप्लाई चेंजेस, नाउ इट इज ऑल्सो सेट। नाउ आई वॉन्ट टू हैव सम इमेजेस ओवर हियर, सो आई जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड अगेन गो टू दिस अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट द फाइल्स विच आई यू नो सेलेक्ट द इमेज लाइक, सो मैं यहाँ पे एक इमेज ले रहा हूँ दिस, सो दिस इज माई इमेज, आई कैन सेलेक्ट दिस वन, दिस इज मच बेटर, सो मैं इसे ओपन करता हूँ, देन सेलेक्ट इट, स्किप क्रॉपिंग, मुझे कोई क्रॉप नहीं करना। यू कैन सी इट इज सेट नाउ। नाउ गो टू दिस सेकेंड वन एंड अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, सेलेक्ट अनदर इमेज, सो आई एम टेकिंग, सेलेक्ट इट, सो स्किप क्रॉपिंग, इट इज ऑल्सो कम। नाउ गो टू दिस सेक्शन, अपलोड दिस वन, सो नाउ क्लिक ऑन ओपन नाउ, क्लिक ऑन सेलेक्ट नाउ, सो स्किप क्रॉपिंग, दिस इज ऑल्सो सेट नाउ। सो नाउ यू कैन सी हियर ऑल इमेजेस आर सेट। ओके, आई थिंक दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, सो आई कैन चेंज इट। नाउ हियर आई वॉन्ट टू टेल यू लाइक द साइज ऑफ दिस इमेज इज 480x320 pixel। सो जब आप कोई इमेज ले रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि जो मैंने पिक्सल आपको बताया वही ले, यहाँ पे जो तीनों इमेज आप इंसर्ट करोगे उनका साइज आप ध्यान रखना कि एक ही होना चाहिए, ठीक है। सो अब ये एक एलिगेंट लुक आपको दे रहा है, तो ये मेरा अबाउट अस सेक्शन रेडी हो गया। इसके बाद में मुझे ये जो सेक्शन है, जैसे कि ये आप देख रहे होगा फीचर्स के बारे में, तो मुझे ये नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन को अब यहां से आप बैक कर जाओ, तो ये जो सेक्शन से देखिए जो हम जिस पे वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट पे आ गया, ओवरलैपेबल में जाऊंगा तो ये मेरा ओवरलैपेबल सेक्शन है, ठीक है। सो मैं ये जो फीचर सेक्शन है जहां पे मैं हूं, इसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। ये जो मुझे कंटेंट एरिया है इसकी भी मुझे आई थिंक जरूरत नहीं है, इसे भी हटा देता हूं। फिर ये जो नेक्स्ट कंटेंट है ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब बात आ रही है कि मुझे यहाँ पे जो है मैसेज फ्लैश करना है कॉन्टेक्ट अस का, लाइक यू कैन सी हियर, ये मुझे दिखाना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपके सेक्शन में आऊंगा, सीटीए सेक्शन में आई गेस, यहां से चलते हैं हम नीचे, ये सीटीए। सो यू कैन सी हियर दिस सीटीए सेक्शन, दिस इज माय सीटीए सेक्शन। मैं सीटीए सेक्शन को ऊपर लेके चलता हूँ अबाउट के, सो नाउ यू विल सी, जैसे मैं इसे मूव करके ऊपर लाऊंगा, इट विल बी यू नो सेट ऑन द टॉप ऑफ दिस अबाउट अस। सो यू कैन सी हियर इट हैज कम। तो अब मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ एंड नाउ यू जस्ट राइट, नाउ आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू एड सम नंबर, सो आई कैन क्लिक ऑन दिस एड एलिमेंट हेडिंग सेक्शन, आई एम टेकिंग दिस H2, सो इट इज क्वाइट लार्जर, सो आई कैन यू नो डिलीट इट, सेलेक्ट दिस एड एलिमेंट अगेन,
and select this H1. And this time I'm taking this H3, so it is okay. So I write the numbers like plus. This number is set. Here get started today. I'll correct it. I'll change it to contact us. So this is also set. Now as far as linking is concerned, we will set its link after the contact us page we will made. Now apply changes. Now it is also set. Now you just save it and run it. Now refresh. Great. So you can see here now it is coming absolutely fine. So you can see this now. And below this our page is also set. So this is how we can half done. So ab ye mera work complete ho gaya. Let's come back to this customize section. After this, like this, you can see here I have made this industry we serve and gallery kind of thing. So let's make this also. So main yahan pe kya karunga, portfolio section mein, ha ye hamara jo section hai, hame ye client testimonial nahi chahiye, ise aap delete kar dijiye. Like yahan se hame pure section ko delete kar dete hain. Hamara team section ki zarurat hame baad mein padegi. Main yahan pe jata hu is portfolio mein. इसे मैं उठा के यस अबाउट के नीचे ही है, तो मैं इसे अब यहाँ पोर्टफोलियो में चेंज करके इसे दे देता हूँ. ऑल राइट, नाउ दिस इज नॉट नीडेड, रिमूव इट. नाउ मुझे इसमें जो इमेजेस चाहिए वो ले लेते हैं. सो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे इमेज को. आई एम डूइंग वन मिस्टेक, एक्चुअली हमें ये नहीं चाहिए, हम इसे हटाते हैं फिलहाल. इसकी भी हमें जरूरत नहीं है. हम एक्चुअली यूज करेंगे टीम सेक्शन का. पोर्टफोलियो सेक्शन की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये स्मॉल इमेजेस के. आई यूज दिस टीम सेक्शन जहां पे मैं इसमें इमेजेस के साथ इसका नाम भी दे पाऊंगा. सो व्हाट आई डू, मैं इसको रिमूव करता हूँ और इस टीम सेक्शन में आके इसे चेंज कर देता हूँ. हियर दिस सेक्शन इज आई थिंक नॉट नीडेड. सो लाइक दिस वी कैन जस्ट डिलीट इट. सो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये इस इमेज को चेंज करता हूं. सो अगेन आई गो टू माई फोल्डर एंड यहां से आई चेक यू नो ब्रांड्स. ओके लेट्स सी, ओके दिस इज माई ब्रांड. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस सीमेंट इंडस्ट्री. दिस इज सेट, सेलेक्टेड, नो स्किप क्रॉपिंग, इट इज ऑफ. हियर आई change it to reset. Rest are not needed, so I can delete it. Here also I can delete, also it delete it. Now अब मैं क्या करता हूं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, सबको डिलीट कर दीजिए. अब मैंने ये जो सेक्शन रेडी किया हुआ है इसी का हम एड करते हैं. सो एड आइटम. सो ये चारों हो गया मेरा. अब मैं इसकी इमेजेस को चेंज कर देता हूं, स्किप क्रॉपिंग, और यहां पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं. लेट्स मूव नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड, चेंज इट. सो दिस इज ऑल सेट नाउ. सो नाउ आई कैन सेव इट. सो ये मेरा सेट हो गया. जस्ट पब्लिश इट वंस. Now I don't want this latest news, तो मैं इसको भी यहां से डिलीट कर दूंगा. बट यू कैन सी हियर इंडस्ट्री वी सर्व के बाद नीचे मैंने हैप्पी क्लाइंट्स का सेक्शन डाला हुआ है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक गो टू दिस एरिया एड सेक्शन. वेन यू क्लिक ऑन दिस एड सेक्शन, आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं. तो यहां पर आप देखेंगे क्लाइंट्स. सो यू कैन सी हियर दो हमारे पास ये दो फ्री ऑप्शन है. ये पूरी के पूरे प्रो वाले हैं जहां पे हमें पैसे देने पड़ेंगे. तो हम चूंकि फ्री पे वर्क कर रहे हैं इसलिए हमें इनमें से कोई एक लेना है. सो आई एम चूजिंग दिस वन एड सेक्शन. सो देखिए ये सेक्शन क्लाइंट का अब हमारा यहां आ चुका है. बट चूंकि ये कॉन्टेक्ट के नीचे है तो मैं इसे पकड़ के माउस बटन दबा के इसके ऊपर ले आता हूं. अब ये ऊपर आ चुका है. अब मैं यहां पे आवर हैप्पी क्लाइंट्स और नीचे यहां पे एक लाइन सेट कर देता हूं जो मैंने यहां पे लिखा है प्राउड टू बी पार्ट ऑफ. सो मैंने यहां पे लिख दिया इसमें. एंड अब मैं वन बाई यहां पे भी इमेजेस डाल दूंगा. सो आई गो टू माई ब्रांड सेक्शन, इमेजेस फ्रॉम माई क्लाइंट आई हैव मेड. सो बाल्को. सो वन बाई वन आप सबकी इमेज डाल दीजिए.
So you can see all the images are inserted now. So these are my client section. Now it is also ready. So now come to this contact us section. मुझे इस contact us section में ये नहीं चाहिए, मैं इसे delete कर देता हूँ. Now इसका image भी मुझे change करना है, तो I'll just click on this setting section. इसका मैं ये image को यहाँ से change करूँगा. Click on select now. So this image is set now. और इसे हम close कर देंगे. एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे देखो एड एलिमेंट लिखा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म विल बी डिस्प्लेड टू एक्टिवेट. नाउ अगेन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले से पब्लिश कर देता हूँ कि अब हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने के लिए एक और प्लगइन का हेल्प लेंगे जिसका नाम है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7. हम इस प्लगइन, ये फ्री प्लगइन है, ये फ्री फीचर है हमारे वर्डप्रेस में, जिसको हमको हमारे वर्डप्रेस में हमारी साइट में क्या करना होगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा. वो फॉर्म रेडीमेड हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, उसको जाके हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे. कैसे इंसर्ट करते हैं, तो मैं चलता हूँ सीधे अब अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में. ये मेरा वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब मैं 2 मिनट इसे स्टॉप करता हूँ, इसे एक बार मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ. नाउ यू सी दिस ऑल आर सेट, ऑलमोस्ट हम सेट हो चुके हैं. हमारा लास्ट कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन बचा हुआ है. मैं अब यहाँ से चलता हूँ इंजीनियरिंग के डैशबोर्ड में. मैं यहां से जाऊंगा प्लगइन में, एड न्यू. यहां पे मैं टाइप करूंगा कॉन्टेक्ट. आप देखेंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आ चुका है, इसको इंस्टॉल कर देंगे. नाउ इट इज इंस्टॉल्ड, क्लिक ऑन एक्टिवेट सो दैट अब ये हमारी वेबसाइट में इंक्लूड हो चुका है. यू कैन सी नाउ इट इज सेट. नाउ क्लिक ऑन दिस कॉन्टेक्ट. नाउ आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट का एक ऑप्शन आ चुका है. क्लिक ऑन दिस कॉन्टेक्ट, गो टू दिस कॉन्टेक्ट फॉर्म्स. यू विल सी यहां पर हमारे पास में ये कॉन्टेक्ट फॉर्म बना हुआ मिल रहा है आपको. यू जस्ट एडिट इट. अभी आप देखेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन है, योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, योर मैसेज एंड सेंड बटन. मुझे यहाँ पे फोन नंबर भी ऐड करना है. सो व्हाट आई विल डू, मैं इस ईमेल को एज इट इज यहां से कॉपी कर लेता हूँ. प्रेस एंटर, एंटर प्रेस, यहां पे आ गया. अब मैं यहां पे लिख देता हूँ योर मोबाइल नंबर. एंड यहाँ पर इस ईमेल फील्ड में देखेंगे हमको टेलीफोन नंबर चाहिए, तो ये देखिए टेलीफोन यहाँ पे लिखा हुआ है. सो मैं स्टार का मतलब कंपलसरी, बिकॉज मुझे टेलीफोन कंपलसरी नहीं करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा TEL और यहाँ पे लिख दूंगा मोबाइल नंबर. ये मेरा सेट हो चुका है. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पर्सन आपको इस फॉर्म को फिलअप करके भेजेगा तो वो आपके मेल में आएगा, तो आपकी किस मेल आईडी में आएगा उसे आप मेल में सेक्शन में जाके, टू सेक्शन में जाके, जैसे आपने लिख दिया लाइक sandman78@gmail.com, तो अब जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप करके भेजेगा तो वो इस पर्टिकुलर मेल में रिडायरेक्ट हो जाएगा. सो मैं फिलहाल इसको चेंज करके sand@gmail.com कर देता हूँ. अब ये मेरा मेल आईडी सेट हो चुका है, इसका मतलब ये फॉर्म में जो भी आएगा डेटा वो इस पर्टिकुलर मेल आईडी में आपको रिसीव हो जाएगा. अब आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए. अब आप देखेंगे यहाँ ऊपर में इसका एक शॉर्ट कोड आ गया. कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इट इनटू योर पोस्ट पेज और टेक्स्ट विजेट. अब अगर इस फॉर्म को हमको जहां पे भी यूज करना है, इस शॉर्ट कोड को हमको वहां पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. सो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ. और अब मैं वापस जो मैंने अपना पेज खोला हुआ था यहाँ अलग से कस्टमाइज सेक्शन में, यहाँ नीचे आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे इस फॉर्म को चाहिए. तो मैं इस कॉन्टेक्ट अस में यहाँ पे इसमें क्लिक करूंगा. ये यहाँ पे बोल रहा है थर्ड पार्टी फॉर्म शॉर्ट कोड. मैं यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दूंगा. पेस्ट करने के बाद अप्लाई चेंजेस. जैसे ही आप चेंज अप्लाई करेंगे यू विल सी सुपर, आपका ये फॉर्म यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है. यू कैन सी इट नाउ, दैट्स लुकिंग वेरी नाइस. सो नाउ माई कॉन्टेक्ट अस फॉर्म इज ऑल्सो रेडी, बट द लास्ट वन इज माई फूटर सेक्शन. अब मैं इस फूटर सेक्शन को डिजाइन करूंगा. इस फूटर सेक्शन को डिजाइन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे ये फूटर सेटिंग दिया हुआ है. इस फूटर सेटिंग में आप क्लिक करिए. फूटर सेटिंग में देखिए अभी ये फिलहाल सिंपल है, मैं इसे चेंज करता हूँ कॉन्टेक्ट बॉक्स में. सो जैसे आप कॉन्टेक्ट बॉक्स में चेंज करेंगे, नाउ यू कैन सी योर फूटर इज चेंज. इट इज लुकिंग वेरी नाइस, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस फूटर नाउ. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस कॉन्टेक्ट अस. नाउ हम इसे थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं. तो कॉन्टेक्ट बॉक्स ऑप्शन में जाके सपोज दैट इसका आइकॉन या एड्रेस है, मैं इसको लिख देता हूँ. So this is how we can change this, like this I can write. So this is all set now, click on this. So this is my footer is ready. So finally my this home page is ready now.
So you just publish it once. So now you just go to this, close this. I'm just writing it again, localhost slash Hindustan Engineering. Fantastic. So now you see here your page is looking very nice. You can see now. This is my contact form. You can fill up now like this. Then you can send it. So because I have kept, you know, the wrong mail ID, so it won't work, because it will show you the message. Just click on this send message. It is saying there was an error trying to send. But if your mail ID is correct and you are online, definitely you will get your, you know, email. So this is how we can see, like, we can make our home page ready. Now the thing is that hume ab contact us ka form about us aur wo sab ko banana hai, to chaliye ab jaldi se usko bhi bana lete hain. Now what will we do, we'll go back to our dashboard. So let's go back to dashboard now. So ab main isme jaake pages ready karta hu. So I am going here, I am just making pages. So main click karta hu add new. First is my about us, okay, and then this is default template, that is absolutely okay. And now what we are doing, we are setting a featured image. Main thodi der se batata hu, just publish it, then go to next page. This is set, this is product, no changes, publish and contact us. So I am making one more form, contact us, publish it. All right, so now come back to your dashboard. You can see we have four pages now, but the problem is that when you open your you know, home page, or you can say front page, you can see now there are four options are given. Matlab hamara ye charo ready ho chuka hai, got it, but they are not in a sequence. So what will I do, main ye sequence ready karunga. So for that we will come back to our pages section. Here we can also go from appearance, from menu also. अब यहाँ पे इस menu section में जाके सबसे अच्छा है हम एक काम करते हैं, इस menu section में हम ये जो order हमारा दिख रहा है इसको arrange कर देते हैं. तो सबसे पहले हमें about us चाहिए, फिर product चाहिए, contact us चाहिए. Now this is all set. So now this create this menu, type the name of menu, that is menu 1, that is also okay. Now create menu. So this is done, save menu. This is my primary menu, you can select it. Now click on this save menu. All right, so ab ye mera kaam ho chuka hai yahan pe. Now you refresh it. So now you can see home, about, product, contact us is coming properly. Now what you can do, agar aap yahan se about us ko click karoge, so you will see jo humne page wahan pe ready kiya tha uska basic structure aapko dikhne lagega. You can see here all have same look. Now लेट सपोज मुझे अब इसको कस्टमाइज करना है. देर आर टू वेज, या तो आप यहां से इसमें कस्टमाइज में चले जाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारे पेजेस में आ जाओ और यहां से जैसे मैंने अबाउट अस को लिया, इसको आप यहां से पहले व्यू कर लो. अगर आप एडिट में जाओगे तो वर्डप्रेस के एडिटर में आओगे. हमें जैसे मैंने बोला मेसमराइज के थ्रू, इसको मेसमराइज प्लगइन के थ्रू जो हम इसको एडिट कर रहे हैं. सो मैं क्या कर रहा हूं, या तो यहां से इसको व्यू कर लूंगा, लाइक यहां से आप व्यू में जाओ. सॉरी ये तो होम ही आ गया हमारा, इसको क्लोज करता हूं. जैसे मैंने अबाउट को व्यू कर लिया यहां से, ओपन लिंक इन न्यू पेज लाइक दिस. तो यहां से आप कस्टमाइज में जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट जैसे मैंने बोला, मतलब कहीं से भी आपको उसके कस्टमाइज सेक्शन में जाना है. सो जैसे मैंने अबाउट सेक्शन लिया, कस्टमाइज में गया. ऑल राइट, सो नाउ यू कैन सी हम अपने कस्टमाइज सेक्शन में आ चुके हैं, जहां से हम अबाउट उसको कस्टमाइज करेंगे. एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मेरा ये फ्रंट पेज है, ये तो हमारा फ्रंट पेज लाइक होम जो है हमारा होम पेज है. बाकी ये जो तीनों हैं, दे आर माई इनर पेजेस बेसिकली. सो जब हम इसे एडिट करेंगे तो हम यहां से हमारा नेविगेशन सेट है, हम कंटेंट को यहां पे देखिए चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो कंटेंट सेक्शन है वो होम पेज को ले लिया है. बिकॉज हम फ्री वर्जन को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पे इसके कंटेंट में कुछ नहीं कर पाएंगे. उसके लिए हम वर्डप्रेस यूज करेंगे, अभी आपको बताता हूं. फिलहाल मैं इसके हीरो सेक्शन में जाता हूं, और ये इनर पेज हीरो सेक्शन में आप जाइए. यहां से इसका बैकग्राउंड में हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए. सो मैंने इसका इमेज सेलेक्ट किया. अब मैं यहां से ऑप्शन में जाता हूं. अब मुझे इस इमेज को चेंज करना है, सो मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू इमेज पे क्लिक करता हूं. ट्राई टू अपलोड अ न्यू इमेज, सपोज आई हैव टेकन दिस वन, क्लिक ऑन ओपन. नाउ सेलेक्ट एंड क्रॉप.
ठीक है, अब इसे लेके मैं यहाँ पे क्रॉप कर देता हूँ। सो नाउ इट इज ओके। मेक श्योर यहाँ पर आप देखिए शो पेज फीचर इमेज व्हेन अवेलेबल दिया हुआ है, इनेबल पैरेलैक्स दिया हुआ है। पैरेलैक्स का मतलब वो पिक्चर हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। सो देखिए जो मैंने इमेज यहाँ पे डाला है वो प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो आई चेंज इट, आई स्किप क्रॉपिंग। नाउ यू कैन सी इट। सो नाउ क्लोज इट। अब ये मेरा अबाउट अबाउट अस का बैकग्राउंड सेट हो चुका है, इसका हेडर सेट हो चुका है। लेट सपोज मैं इसे पब्लिश करता हूं। नाउ व्हेन यू ट्राई टू ओपन दिस, नाउ क्लिक ऑन दिस अबाउट अस, तो आप देखो ये इमेज सेट है। प्रोडक्ट में जाओ तो भी तीनों में, प्रोडक्ट में भी वही इमेज आ रही है, कॉन्टेक्ट अस में भी वही इमेज आ रही होगी। इसका मतलब ये तो प्रॉब्लम हो गया कि भाई हमारा जब एक तीनों में अलग अलग होना चाहिए लेकिन अबाउट में डाला तो भी तीनों में ये सेम कैसे हो रहा है। बिकॉज हमने यहाँ पे इसके इनर सेक्शन में क्या किया, हमने जब इसका सिलेक्शन किया था तो इनर पेज लिया था। इनर पेज के ऑप्शन में हमने जब ये इमेज सेलेक्ट की तो जितने भी पेजेस हैं वो बाई नेचर इनर है, लाइक कॉन्टेक्ट, प्रोडक्ट और अबाउट। सो हमको क्या करना है, सबका अलग अलग चाहिए। तो हम यहाँ से मेक श्योर करेंगे कि शो पेज फीचर इमेज व्हेन अवेलेबल, मतलब ये बोल रहा है कि अगर पेज का फीचर इमेज अगर होगा तो वो उसको दिखाएगा, तब उस स्थिति में सब अलग अलग इमेज आएगी। अब बात आ रही है ये पेज फीचर इमेज हम कहां से डालेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, वापस चलता हूँ हमारे डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के, यहां से ये पेज में जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे अबाउट में जाके इसके एडिट सेक्शन पे क्लिक करूंगा। अब ये जो एडिट में हम जा रहे हैं ये कस्टमाइज से हमारा अलग सेक्शन है, ये एडिट हम कर रहे हैं वर्डप्रेस में जाके। तो अब जो भी मैं कंटेंट भी डालूंगा अबाउट अस में, प्रोडक्ट में या कॉन्टेक्ट अस में, वो सब वर्डप्रेस में अब जाके डालूंगा। तो मेरा अब मेस्मेरियन का काम, मेस्मराइज जो हमने थीम यूज किया उसका काम अब खत्म। अब हम अपना काम शुरू करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे में है, यहाँ पे देखिए फीचर्ड इमेज, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से अपलोड में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज दूसरी ले लेता हूँ, दिस, ओपन इट, सेट इट, इट इज सेट, अपडेट, लेट्स गो बैक टू डैशबोर्ड, ओपन प्रोडक्ट, एडिट इट, सेट फीचर इमेज, सेलेक्ट दिस वन, इट इज सेट, अपडेट, गो बैक टू डैशबोर्ड एंड सेलेक्ट दिस कॉन्टेक्ट फॉर्म, नाउ क्लिक ऑन एडिट, नाउ सेट फीचर इमेज, गो टू अपलोड, सेलेक्ट फाइल, सेलेक्ट दिस इमेज, जो भी आपको चाहिए, ओपन इट, सेट इट, ऑल राइट, नाउ अपडेट इट, नाउ रिफ्रेश द पेज। Now you can see the image of this contact us is different, product is different and about is also different. Great. Now the time to set the content of these forms. So I am in contact us form. So, मैंने जो contact form ready किया था उसका short code यहाँ पे डालूंगा। So I'll click on this plus sign. यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट कोड का, सेलेक्ट दिस शॉर्ट कोड, पेस्ट द कोड कॉन्टेक्ट फॉर्म का जो हमने लिया था एंड अपडेट इट, इट इज अपडेटेड नाउ, क्लिक ऑन अबाउट अस में, गो टू दिस कॉन्टेक्ट अस सेशन नाउ, सेक्शन नाउ, सॉरी, नाउ यू कैन से आवर फॉर्म इज रेडी, यू कैन सी दिस फॉर्म इज कमिंग प्रॉपरली, क्लियर, दिस इज हाउ यू कैन सी एंड दिस इज योर सेंड बटन। सो दिस इज माई कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये मेरा रेडी हो गया। नाउ कम बैक टू माई, सॉरी, इट इज अपडेटेड फर्स्ट, नाउ कम बैक टू डैशबोर्ड। सो नाउ वॉट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग नाउ वर्ड प्रेस, यू नो, controls to make or set the content of the page. So now come to this about us section, click on edit. Now what we are going to see, like you can see in the our demo site, this is my about us section, this is how we want this. So what we are going to do this, for this click on this edit, select this, select the heading, yahan pe main heading dal dunga, this, select this one, go to this page, select here and select this to convert this to H1, we can take color, I'm changing it to orange and we can make it bold as well. So it is already bold. So this is my heading. Now click on this next section. Here we want what? Two areas. Ek mein ye points rahenge. So main isko copy kar leta hun. Click on this edit. Go to this two column section. Select this two column. And in this first section, I'm going to take this heading. I'm taking all these as points and then click on this and now select the image, upload, go to image section, select this image, click on open, now all set,
नाउ सेट इट टू सेंटर अलाइन सेंटर यू ऑल्सो इसमें भी हम इसको क्या कर देंगे क्लिक ऑन दिस अलाइन टेक्स्ट सेंटर क्लिक ऑन दिस अलाइन टेक्स्ट सेंटर एंड कीप ऑल दिस एच थ्री आई एम कीपिंग दिस ऑल इन टू एच थ्री यस this side now select the image go to this section select it to full size and now select the whole column click on this mid section select this and make it vertical align middle so now it will look like much better this is how change the size update it now go to refresh it great now you can see the page is almost set but the space is not coming properly so what can I do we can use first we also keep it at center and we will use you know one space bar so to provide the space we can use this spacer so you know I'll move this spacer upwards so here we will keep this and we will take its duplicate and we will move this spacer above this Now it's absolutely fine. We can keep also here one is. Now it is okay. Click on update. Now go to this about us section. Refresh it. Now you can see this about us page is ready, and this page is almost set properly. And after that, we will go back to our dashboard, and finally we will make our product form. So I'll start editing it. So here we will display you know our products images so what will I do I'll just click on this plus button I'll select the gallery this is I think available in layout section common blocks yes this is gallery click on this gallery now upload images so I have products so I'm clicking here I am uploading images one by one then again This is here upload so one by one जितनी भी images आपको upload करनी है सबको आप ले लीजिए Now these are loaded so these are in a three हमारे एक single row में है Now you can see आप इसको फोर कर देंगे तो फोर हो जाएगा तो मैं इसको थ्री ही रहने देता हूँ एंड रेस्ट ऑल आर फाइन यू कैन चेंज इट टू मीडियम साइज एंड ये मेरा सेट हो गया नाउ अपडेट इट गो टू व्यू द पेज ऑल राइट सो नाउ यू कैन सी आवर प्रोडक्ट्स आर अपीयरिंग बट इनका साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो गया तो हम इसको वापस थंबनेल कर देते हैं And one more thing we can do, we can write you know captions as well. So what I am doing here, like I am writing refrigerator, keep it in bold. Like this is how we can you know give caption as well, so that you can do from your side. So I am just updating it. Now you will see in make shed aa chuka hai. So when you see this, so this thing coming like this. बिकॉज हमने मेरे जो इमेजेस की साइज है वो कुछ बड़ी हैं सो यू कैन सी हियर सो आई गेस हमने इसका साइज क्या लिया हुआ है इमेजेस का क्रॉप इमेजेस दैट इज ओके नाउ सो मेक श्योर द क्रॉप इमेजेस इज ऑफ अपडेटेड गो टू प्रोडक्ट रिफ्रेश इट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन सो दिस इज हाउ यू कैन यू नो मैंने सिर्फ तीन का यहाँ पे नेम दिया हुआ है आप इसको नेम को इनके साथ में बाकी सब में अटैच कर देंगे सो यू इट विल गिव यू मच मोर बेटर लुक एंड यू कैन ऑल्सो पुट यू नो स्पेसर सो यू जस्ट टेक दिस स्पेसर एंड कीप अबाउट दिस एंड ऑल्सो कीप स्पेसर हियर ऑल्सो एंड देन फाइनली अपडेट इट सो आई गेस नाउ योर वेबसाइट इज कम्प्लीटली रेडी सो नाउ I haven't filled. Yeah, it is updated. Now refresh it. So now you can see. Great. Our website is almost ready. So guys, now you can see. You know, it hardly took me. You know, 45 minutes around, I guess. So I mean, this is how you know you can make your website. This is our fantastic. You know,
front page, and you can see how nice it is looking, and very nice footer is also there. Then you go to about us section, you can see the image, superb. And this is how even you can set more content over here by using, as I said, using the WordPress controls. Click on this product section, it is also working very fine. So this is how we can make our website, and I hope it will really help you a lot for making your website. So I guess no experience is required. It is totally free, quick cost aapko nahi dena hai, and you can see the look of your page. So that's it. Bye bye. Take care. Do take care of yourself, and milte hain next session mein.